बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ साइमा अली और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा करेले, जो कि मेरी और मुझे यकीन है बहुत से लोगों की ऑल टाइम फेवरेट डिश है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन में हाफ कप ऑयल लिया। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं या चाहें तो आप इसको घी में भी बना सकते हैं। उसको हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया और उसमें हमने ऐड कर दिया एक मीडियम साइज़ प्याज, उसको हमने चॉप कर लिया और साथ ही हमने उसमें ऐड कर दिया एक चाय का चम्मच ज़ीरा और हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे दो खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और तीन सब्ज़ इलायची हमने इसमें शामिल कर दी और चार से पांच लौंग हमने इसमें शामिल कर दी और इसको अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है ताकि इसमें से लहसुन अदरक के जो कच्चेपन की स्मेल है या टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। फिर हमने उसमें ऐड कर दिया आधा किलो बड़ा कीमा और इसको हमने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। इसको हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसमें जो अपना पानी होता है कीमे का वो बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। फिर हमने उसमें शामिल कर दिए दो मीडियम साइज टमाटर, उसको भी हमने काट लिया। अब हमने टमाटर की भुनाई करनी है कीमे के साथ और ताकि टमाटर भी जो पानी छोड़े वो भी जल्दी से कुक हो जाए। इसको हमने तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम आंच पे, दरमियानी आंच पे हमने इसको पकाना है और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है ड्राई स्पाइसेस, जिसमें है एक चाय का चम्मच है सूखा धनिया पाउडर, एक चाय का चम्मच है सुर्ख मिर्च पाउडर और एक चाय का चम्मच ही सॉल्ट है, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा है और आधा चाय का चम्मच है इसमें हल्दी। इन सब चीज़ों को हमने इसमें शामिल कर दिया। इन स्पाइसेस को इसमें शामिल करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा और भून लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ताकि जो स्पाइसेस हैं वो भी वेल कुक हो जाएं। अब हम इसमें डाल देंगे करेले, जो कि हैं 4 से 5 अदद करेले थे मीडियम साइज़ के, उसको हमने पील कर लिया था, उसमें से सीड्स निकाल दिए थे और उसको बारीक कट करके फ्राई कर लिया था, तो उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। चूंकि करेले ऑलरेडी फ्राइड हैं तो इसको इतनी ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसको मज़ीद 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद उसमें हम शामिल कर देंगे आधा ग्लास पानी और इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है और इसके बाद हमने इसको कवर करके रख देना है। इसको हमने सबसे धीमी आंच पे रखना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। हमने कीमे को ये दम लगाया है ताकि कीमा अच्छे तरीके से गल जाए और वो बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। तो 7 मिनट के बाद देखें कीमा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। तकरीबन मिर्चें मैंने ली थी 4 अदद और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था और उसमें से कुछ इस मौके पे हमने इसमें डाल देनी है और साथ ही इसमें हमने शामिल कर देना है 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इसको हमने कवर करके मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख देना है। आँच हमेशा हल्की ही होगी जब भी दम पे रखेंगे और 3 मिनट के बाद हमारा कीमा करेले तैयार है।
और इंतहाई डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी है और बहुत आसान और बहुत ही कम मसाला जात से बनने वाली है। चले व्यूवर्स, अब हम इसको करते हैं डिश आउट। हमने कीमा करेले को कर लिया है डिश आउट। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े सा अदरक और थोड़ी सी सब्स मिर्चें। जी तो व्यूवर्स, हो गया हमारा यमीलिशियस किस्म का कीमा करेले तैयार। उम्मीद है आप लोग इसको ट्राई करेंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।